गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनवायरनमेंट की स्मार्ट क्रैश कोर्स में हमारा सेकंड लेक्चर, दैट इज ऑन पोल्यूशन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पोल्यूशन वन, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन और रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स रहे थे वन एंड हाफ ईयर्स के, उसका स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन कवर किया था। उसी तरीके से आज हम पोल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ वन एंड हाफ ईयर्स के उसके स्टैटिक और करंट पोर्शन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 2 अप्रैल से हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, हमारे पीडीएफ लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन में कि इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के लिए। आई होप आप एक बार इसके ऊपर जरूर देखें और इसका शेड्यूलिंग जरूर चेक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज पोल्यूशन। जैसे लास्ट टाइम भी पोल्यूशन डिस्कस किया था, तो आज भी हमारा टॉपिक क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर आज हम तीन चीजें देखने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट एंड ई वेस्ट। तीन चीजें चेक करेंगे आज हम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट एंड ई वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज, हमारा टॉपिक क्या है आज का, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं। अगर मैं बात किसकी कर रहा हूं, वेस्ट मैनेजमेंट की, इसके अंदर कुछ स्टेजेस होती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है कि वेस्ट को हमें सेग्रीगेट करना है। वेस्ट को हमने क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। फिर उसका क्या होगा, वेस्ट को कलेक्ट करना है प्रॉपर व्हीकल्स के अंदर। प्रॉपर व्हीकल्स के अंदर वेस्ट को कलेक्ट करके क्या करा जाए, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए। ट्रांसपोर्ट कहां पर करना है, जहां पर उनकी क्या करी जाएगी, ट्रीटमेंट। वहां पे उनकी क्या करी जाएगी, ट्रीटमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, उसकी सेग्रीगेशन, फिर उसकी कलेक्शन है, और फिर उसकी क्या है, ट्रीटमेंट। अब वेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, या तो आप उसे क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी वेस्ट के अंदर जिनको आप यूज करके कुछ और प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हो, किसी और इंडस्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर यूज हो सकते हैं, या आप उसे मैक्सिमम रिकवर करने की कोशिश करो। That is, वेस्ट को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। वेस्ट को रिकवर कैसे किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा फोर्थ स्टेज हो सकता है अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कि वेस्ट को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। हमें उसे क्या करना है, रिकवर करना है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो बेसिक स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सेग्रीगेशन, देन द कलेक्शन, एंड देन द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करके जब आप उसे ट्रीटमेंट फैसिलिटी के पास ले आए हो, फिर आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, या उसे क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ये हमारी क्या होती है, बेसिक स्टेजेस होती है अगर मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता हूं। आप कहीं भी इसका डिटेल में पढ़ते हैं जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, तो बेसिक चार स्टेजेस होती हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, इन द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उसको क्या करा जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। हम वेस्ट को यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वेस्ट को एज अ वेस्ट नहीं देखना है, उसको हमें एज अ रिसोर्स देखना है, जिससे कि हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, एनर्जी। जिससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, एनर्जी, और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्यूल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी में। बाकी जो वेस्ट बच गया है, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो वेस्ट बच गया है, ना जिससे एनर्जी क्रिएट हो रही है, ना उसे बायोडिग्रेड करा जा रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरियस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लाइक वी कैन डंप इट, या इट कैन बी यूज्ड इन लैंडफिल्स, या उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, या उसकी इंसिनरेशन कर सकते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से इंडिया के अंदर वेस्ट को हैंडल किया जाता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात हो रही है, तो ये बेसिक स्टेजेस होती हैं अगर हम किसी भी वेस्ट को मैनेज करने की बात करते हैं, बीट द सॉलिड वेस्ट, बी द प्लास्टिक वेस्ट, बीट द ई वेस्ट। इन सब चीजों की हैंडलिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ये हमारे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स। क्लियर है जी। अगर हम वेरियस मेथड्स की बात करते हैं वेस्ट हैंडलिंग को लेके, वेरियस मेथड्स की बात करते हैं किसमें, वेस्ट हैंडलिंग को लेके, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लैंडफिल की। किसकी बात कर रहे हैं, लैंडफिल की। तो लैंडफिल को करने से पहले एक मेथड होता है ओपन डंप। आपको पता होगा कि यहां पे ज्यादातर इंडिया के अंदर वेस्ट को क्या किया जाता है, ओपन ही एक जगह पे जाके डंप कर दिया जाता है। बट उसका नुकसान क्या होता है,
कि जब हम किसी चीज को ओपन डंप कर देते हैं इस तरीके से, तो उसमें से गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या होता है, मिथेन। जिसका नाम क्या होता है, मिथेन। और वो क्या है, मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एक बेटर वे नहीं है डंप किसी भी वेस्ट को ट्रीट करने का। तो पहला जो मेथड है डेट इज ओपन डंपिंग, जिसमें ओपन डंप्स में हम वेस्ट को फेंक देते हैं, बट उससे क्या रिलीज होती है, मिथेन, जो कि ज्यादा क्या है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है जी। और हमारा जो सेकंड मेथड है डेट इज दी लैंडफिल। लैंडफिल के अंदर हम क्या करते हैं, एक मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर वेस्ट को डंप कर देते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक पिट को डग करते हैं और उसके अंदर हम वेस्ट को पूरा का पूरा डंप कर देते हैं। अब लैंडफिल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जब हम लैंडफिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बेसिकली जो रिएक्टिव मटेरियल होता है हमारा, कौन सा मटेरियल होता है, रिएक्टिव हार्मफुल मटेरियल, वो क्या कर जाता है, नीचे जमीन में लीचिंग हो जाती है उसकी। क्या हो जाती है, लीचिंग। जब उसकी लीचिंग हो जाती है तो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स उस वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर चले जाते हैं, लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, वो हमारे कहां पे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। अब जब ये चीज अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जाएगी और फिर हमारे वाटर टेबल के थ्रू, हैंडपंप्स के थ्रू वापस बाहर आएगी, तो उसमें क्या होंगे, हार्मफुल कंटेमिनेंट्स, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीजेस फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से लैंडफिल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट मेथड होता है वेस्ट को हैंडल करने का, उसका एक डिसएडवांटेज क्या है, उसकी क्या हो जाती है, लीचिंग। क्या हो जाती है, उसकी लीचिंग। तो ओपन डंप की बात करूं तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या था, मिथेन रिलीज होना। लैंडफिल की बात करी जाए तो उसका मेजर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, लीचिंग होना, जिसकी वजह से उसके जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथड की, दैट इज द इंसिनरेशन मेथड। वेस्ट को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट मेथड कौन सा है, इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वेस्ट को बर्न करते हैं। वेस्ट को बर्न किया जाता है हाई टेंपरेचर्स के अंदर। कहां करा जाता है, हाई टेम्परेचर्स के अंदर वेस्ट को बर्न किया जाता है। इसका एक एडवांटेज होता है कि इससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, ज्यादा टॉक्सिक गैसेस हवा में रिलीज नहीं होती हैं। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, इंसिनरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इंसिनरेशन की, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल टेम्परेचर्स के अंदर, किसके अंदर, कंट्रोल टेम्परेचर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन के अंदर वेस्ट को बर्न करने की कोशिश करते हैं, वो भी जो भी क्या होते हैं, हमारे हाई टेम्परेचर, जिसके वजह से ज्यादा हीट को रिलीज नहीं होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो मेथड है डेट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के अंदर कुछ नहीं होता, जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके ऊपर हम बैक्टीरिया एंड फंजाई छोड़ जाते हैं, जो उसको क्या कर देते हैं, बायोडिग्रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बायोडिग्रेड। और जो एंड में जाके उससे क्या बन जाता है, जो सारा वेस्ट होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में। कंपोस्ट कुछ नहीं होती, वो खुद क्या होती है, खाद होती है। कंपोस्ट को हम क्या बोलते हैं, खाद। तो बेसिकली वेस्ट को हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग यूजिंग बायोडिग्रेडेबल, जो के हम बायोडिग्रेडेबल हम जो हमारे जो एजेंट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। इसी के साथ एक मिलता जुलता प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है वर्मी कल्चर। क्या नाम होता है, वर्मी कल्चर, VERMICULTURE। प्रोसेस का नाम होता है वर्मी कल्चर, डेट इज VERMICULTURE। वर्मी कल्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, वर्मी कल्चर के अंदर इन एडिशन टू बैक्टीरिया एंड फंजाई, उसके ऊपर अर्थवॉर्म्स का एक्शन करवा दिया जाता है। किनका एक्शन करवा दिया जाता है, अर्थवॉर्म्स का, जिसकी वजह से जब कंपोस्टिंग में जो खाद बनी है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, बट जब हम कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जब अर्थवॉर्म्स का एक्शन हो रहा है उस वेस्ट के ऊपर, तो जो उससे जो हमारा जो खाद बन रही है डेट इज मोर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो ज्यादा रिच क्या है, न्यूट्रिएंट्स में। और फिर उसी खाद को हम कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में प्लेस कर सकते हैं, जिसके बाद जो प्लांट्स होंगे उस खाद के न्यूट्रिएंट्स को अपने प्रोसेस, अपने सिस्टम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनके ये बहुत हार्मफुल पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपोस्टिंग की, या मैं बात कर रहा हूं वर्मी कल्चर की। बट ये एक्शन किसके ऊपर करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल होगा। याद रखना, अगर मैं कंपोस्टिंग की बात कर रहा हूं या वर्मी कल्चर की बात कर रहा हूं, इनका एक्शन किसके ऊपर होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ओपन डंप्स, जिसमें मिथेन रिलीज हो रही है, लैंडफिल, जिसमें एक डक कर देते हैं पिट को, फिर उसके अंदर वेस्ट को डंप कर देते हैं, पर उससे क्या हो जाती है, लीचिंग, जिससे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। या हम बर्न कर सकते हैं वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर इन इंसिनरेशन, या हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग, या हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कल्चर।
कंपोस्टिंग में खाद बना रहे हैं, वर्मी कल्चर में भी खाद बना रहे हैं, बट वो ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि उसमें किसका प्रोसेस हो रहा है, अर्थ वर्म का। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज पायरोलिसिस। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, पायरोलिसिस। इंसिनरेशन में मैंने बोला हाई टेम्परेचर के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, हाई टेम्परेचर मतलब उसमें ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट है। बट जब मैं पायरोलिसिस की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे लिखा हुआ है किसके अंदर कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पायरोलिसिस वर्सेस इंसिनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए पायरोलिसिस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और इंसिनरेशन में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो थे हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, पर आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, दैट इज बायोमिथेनेशन। याद रख लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बायोमिथेनेशन। तो पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मटीरियल इज माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्टेड अंडर एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशंस वो होती हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोगैस के अंदर। किसके अंदर कर रहे हैं हम, बायोगैस के अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको किसमें कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, बायोगैस के अंदर। तो ये एक बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, किसको हैंडल करने के लिए, वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट हैंडलिंग, लाइक ओपन डम्प्स, लैंडफिल्स, पायरोलिसिस, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर एंड बायोमिथेनेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सॉलिड वेस्ट को लेके, प्लास्टिक वेस्ट को लेके, ई वेस्ट को लेके और बायोमेडिकल वेस्ट को लेके 2016 में रूल्स को चेंज किया था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 2016 में बहुत सारे रूल्स आए थे रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारे रूल्स कंप्लायंस किसके साथ कर रहे थे, इन कंप्लायंस विद जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अनाउंस हुआ था 2014 के अंदर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कस किया था कि हमें भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, तो उसी के चक्कर में, उसी के कंप्लायंस में कौन से रूल्स आए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब ये जितने भी रूल्स हैं पेपर में पूछा जा सकता है किसने नोटिफाई किए हैं, तो याद रखना दीज वर ऑलवेज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमेशा बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को किसने नोटिफाई किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम इनके फीचर्स की बात करें कि बेसिक फीचर्स क्या थे जिसके अंदर बोला गया कि अलग से क्या रूल्स आए हैं 2016 के अंदर, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट था डेट वॉज सेग्रीगेशन एट सोर्स। ये बिल्कुल याद रख लेना कि अब ये बात कलेक्टर्स के ऊपर नहीं डाल दी, इन्होंने सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल दी, जो वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। याद रख लेना, इन्होंने जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर्स हैं, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये जिम्मेवारी तुम्हारी है कि तुम घरों में वेस्ट को क्या करो, अपनी जगहों पे वेस्ट को सेग्रीगेट करो। तीन जगह, तीन तरीके से आपको सेग्रीगेट करना है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट। तीन चीजों में आपको वेस्ट को क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। तो अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग कहां से होती है, जैसे हमने लास्ट अभी पीछे वीडियो में देखा था कि सेग्रीगेशन, और इन्होंने यहां पे सेग्रीगेशन वर्ड को डिफाइन कर दिया किन तीन चीजों में, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और तीसरा कौन सा वेस्ट कर दिया, हैजार्डस वेस्ट। कि आपको वेस्ट को क्या करना है, आपको सेग्रीगेट करना है ड्राई, वेट और हैजार्डस वेस्ट के अंदर। क्लियर है जी। सेकंड चीज, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, जो सेकंड चीज थी डेट वॉज रिलेटेड टू, अगर तो वेस्ट सेग्रीगेट हो चुका है तो उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए और उसका डिस्पोजल होना चाहिए सैनिटरी मेथड से। ओपन व्हीकल्स नहीं यूज होनी चाहिए, जब भी वेस्ट को आपने कलेक्ट ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए प्रॉपर कवर्ड व्हीकल्स होनी चाहिए। जब इस वेस्ट को सेग्रीगेट कर दिया गया है तो हर एक दिन के बाद नेसेसरी है कि उस वेस्ट को क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए। क्लियर है जी इतनी बात। थर्ड चीज जो थी, कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग वेस्ट। सपोज करो किसी प्रोड्यूसर है जिसने कोई चिप्स का पैकेट है, उसकी पैकेजिंग बनाई है, तो जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई है, उस प्रोड्यूसर के ऊपर जिसकी वजह से वेस्ट जनरेट हुआ है। इस चीज को हम नाम बोल देते हैं क्या, ईपीआर। अब रूल्स के अंदर एक नई चीज आ गई
कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी गई, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी डाल दी गई अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर डिटेल में कि एक्चुअल में ईपीआर टारगेट्स क्या है। तो बस इतना याद रख लो कि अब स्कीम क्या है कि जो भी वेस्ट को जनरेट कर रहा है उसके पास ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए अगर वो प्रोड्यूसर है या रिटेलर है कि ऐसी स्कीम रखे अगर वेस्ट जनरेट भी हो रहा है तो उसको कलेक्ट बैक करने का उसके पास तरीका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नेक्स्ट चीज क्या हुई, वेस्ट एग्रीगेट हो गया, कलेक्ट हो चुका है, अब उसको क्या करना है, उसकी प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। अब उस वेस्ट की क्या करनी है, प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो क्या कर सकते हो, जैसे फोर्थ पॉइंट बताया था वहां पे, वेस्ट को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी के अंदर, या जो वेस्ट बच गया है बायोडिग्रेडेबल है उसको क्या करो, उसकी कंपोस्टिंग। क्योंकि कंपोस्टिंग करोगे उससे क्या बनेगी, खाद बनेगी, कंपोस्ट बनेगी, जो कहां पे यूज हो सकती है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर। तो ये जो स्कीम सारे रूल्स थे इट वॉज रिलेटेड टू के बेस्ट वे से हम कैसे सॉलिड वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेग्रीगेशन, कितने हिस्सों में, ड्राई, वेट एंड हैजर्डस, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, जो प्रोड्यूसर उस वेस्ट को जनरेट कर रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी डाल दी गई अंडर कलेक्ट बैक स्कीम, और नेक्स्ट था कि उसको ट्रीट करना है, या तो कंपोस्टिंग करवा दो या उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, वेस्ट टू एनर्जी के अंदर। सो दीज वर द बेसिक रूल्स दैट वर लेड डाउन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब ये सारे रूल्स नोटिफाई तो कर दिए गए थे, अगर मैं पूछूं रूल्स ये थे ठीक है, अब इनकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत ही क्या थी, उसका आंसर भी इन्हीं रूल्स के अंदर है कि ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए। अगर मैं एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करने की यहां पे सोचूं तो सबसे पहले बात करी गई सेग्रीगेशन की, कि वेस्ट को क्या करना है, सेग्रीगेट, मतलब नॉर्मल हाउसहोल्ड्स को क्या करना है, वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। एकदम से 2016 के रूल्स के अंदर बोल दिया गया कि वेस्ट को क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी, अवेयरनेस कैंपेन्स कौन से स्टार्ट किए गए। तो बेसिक अगर जब हम बात करें हमारे रूल्स इतने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए, तो बेसिक रीजन उसके फेलियर का यही था। क्यों, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं चलाया गया कि वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है, हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया कि वेस्ट को सेग्रीगेट किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से पहले स्टेप पे ही जब तुम्हारा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहा, पहले स्टेप पे ही जो रूल था उसका प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ, कहां पे जो म्युनिसिपल इंस्पेक्टर्स थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जिसकी वजह से ये जो रूल थे इतने सक्सेसफुल ना हो पाए। और दूसरी चीज जो कलेक्ट बैक स्कीम थी, आगे हम ई वेस्ट में पढ़ेंगे, वहां पे भी ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमने इसके अंदर देखा है कि अभी भी बहुत कुछ करने की बात है अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। ठीक है जी, इतनी बात। चलो जी, नेक्स्ट वी मूव टू प्लास्टिक वेस्ट। अब देखो सॉलिड वेस्ट डिस्कस कर लिया, अब आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट होता है, अगर हम उसकी बात कर लें डेफिनेशन की, तो प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन द अर्थ एनवायरनमेंट दैट एडवर्सली इफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड ह्यूमंस। तो हमें पता है कि प्लास्टिक वेस्ट की एक समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, अगर आप बीचेस के अंदर देख रहे हो, नॉर्मल देख रहे हो, तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक से हम सराउंडेड हैं हर जगह के ऊपर, हमारी डेली से डेली चीज को लेके, फूड पैकेजिंग से लेके, हमारे डेली नीड्स को लेके, कहीं भी देख लो वी आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक्स। बट ये प्लास्टिक का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मेजर डिसएडवांटेज इनका क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इट टुक थाउजेंड ऑफ इयर्स बिफोर दे गेट बायोडिग्रेडेड, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दीज एक्ट एज वॉट पोल्यूशन। तो इनकी हैंडलिंग करना क्या है, इनको कम करना, इनकी मैनेजमेंट करना क्या है, पैरामाउंट बन जाता है, जबकि क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करी जाए, सबसे बड़ी समस्या इस वजह से है क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की, तो दो तरीके से हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, वन इज माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है, जिनका साइज क्या होता है, 5 मिलीमीटर से कम होता है, और उनके अंदर भी माइक्रो बीड्स आ जाते हैं जिनका साइज क्या होता है, 1 मिलीमीटर से कम होता है। तो माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम, उनके अंदर माइक्रो बीड्स आ जाते हैं जिनका साइज क्या होता है, 1 मिलीमीटर से कम, जो बेसिकली यूज होते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल स्क्रबर्स के अंदर, और बहुत सारी जगह पे माइक्रोप्लास्टिक्स यूज किए जाते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक।
सेकंड, अगर मैं वेस्ट की प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? इट इज अ डिस्पोजेबल मटेरियल, ध्यान रखना, दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। इसे सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है बिफोर इट इज आइदर थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड। तो सिंगल यूज प्लास्टिक वो चीज होती है जिसे सिर्फ हम एक बार यूज करते हैं या रिसाइकल कर देते हैं, और उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उसे थ्रो कर देते हैं। लाइक प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, सोडा बॉटल्स, स्ट्रॉस, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स एंड मोस्ट फूड पैकेजिंग। ठीक है जी। तो अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके से है, माइक्रो प्लास्टिक है और दूसरा क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड सोडा बॉटल्स हैं। अगर हम माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर प्लास्टिक दैट आर लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज एंड दैट इंक्लूड कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अगर हम बात करें अब गोल्डन रूल, जो अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला है रिड्यूस, देन इट इज रीयूज, देन इट इज रिसाइकल एंड देन इट इज रिकवर। पहली बात क्या है कि प्लास्टिक का जितना यूज कम से कम हो, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। अगर हम प्लास्टिक का यूज कर भी रहे हैं तो उसको क्या करें, रीयूज करें। ये नहीं कि एक बार प्लास्टिक को यूज किया और थ्रो कर दिया, इफ अलग केस है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। अगर उसका एक से ज्यादा बार यूज हो सकता है तो उससे ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। अगर हो सके पहली स्टेज पे क्या करें, रिड्यूस कर दें, अपने यूसेज को ही कम कर दें या उसको रिसाइकल करें। क्या करें, रिसाइकल। ये नहीं कि प्लास्टिक वेस्ट लिया उसे सीधा लैंडफिल में डंप कर दिया, लैंडफिल से डंप कर दिया और उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स है रिलीज हो गए अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। तो उसमें से जितना भी हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल करने का काम करें, और जो वेस्ट बच जाता है उसको एंड में क्या करें, रिकवर। उसको एंड में क्या करें, रिकवर, दैट इज वेस्ट को हम क्या करें, कन्वर्ट करें किसके अंदर, हीट और पावर के अंदर। तो पेपर में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि चार वेरियस आर्स कौन से हैं, तो याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। क्लियर जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो अमेंड हुए थे 2018 के अंदर। अब यहां पे मैंने बात करी है कि मिनिमम थिकनेस बोल दिया गया कि प्लास्टिक कैरी बैग्स का कितना होगा, 50 माइक्रोन्स। पहले ये कितना बोला गया था, 40 माइक्रोन्स। अब कितना बोल दिया गया है, 50 माइक्रोन्स। जब थिकनेस बढ़ा दी गई है प्लास्टिक की 40 से 50 की तरफ, तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। जो पहले प्लास्टिक बैग्स आप फ्री में दे रहे थे, क्योंकि अब उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ गई है, तो जो दुकानदार है, रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, अब उसके ऊपर क्या करेंगे, चार्जेस अप्लाई करेंगे अगर वो कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूज क्या होगा, डिसकैरेज। तो उसका प्लास्टिक का यूज क्या होगा, डिसकैरेज। तो ये पहला उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स को बढ़ा के कितनी कर सकते हैं, 50 माइक्रोन्स। दूसरी चीज उन्होंने बोल दिया गया है कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज की, कि सिर्फ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अब प्लास्टिक रूरल एरियाज में भी पहुंच चुका है। याद रखो कि पहले अगर हम बात करें, यहां से 20-30 साल पहले प्लास्टिक रूरल एरियाज में नहीं था, क्योंकि हमारी हैबिट्स इतनी चेंज हो चुकी है, कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा आ चुका है रूरल एरियाज के अंदर भी। अब वहां पर भी क्या हो चुका है, प्लास्टिक का यूसेज बढ़ चुका है और वहां भी प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या बढ़ चुकी है। तो वहां पर भी बोला गया है कि प्लास्टिक का अब हार्मफुल इफेक्ट रूरल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है लोकल बॉडीज को अंडर दीज रूल्स। थर्ड चीज, अभी मैंने पीछे आपको बताया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जिससे क्या बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, क्या बन रहा है, प्लास्टिक। तो उस जिम्मेवारी किसकी है, उस प्लास्टिक को कम करने की, उस प्रोड्यूसर की है। किसकी जिम्मेवारी है, उस प्रोड्यूसर की, अंडर व्हाट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर उसने कोई स्कीम बनाई है, कोई प्लास्टिक बनाया है, कोई पैकेजिंग ऐसी बनाई है जिसमें प्लास्टिक का यूज हो रहा है, तो उसके पास एक कलेक्ट बैक सिस्टम होना चाहिए ताकि वो वेस्ट को क्या करे, कलेक्ट बैक कर सके, और फिर बाद में उसको आगे किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट करवाए या उसको प्रोसेसिंग फैसिलिटी के अंदर सप्लाई करे। जिम्मेवारी हमने अभी पीछे पढ़ा कि घरों पे भी जिम्मेवारी है, बट प्रोड्यूसर के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। जैसे हम देख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड ब्रांड ओनर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। अब मेजर जिम्मेवारी किसकी आ चुकी है, प्रोड्यूसर्स एंड ब्रांड ओनर्स की। तो पेपर में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ईपीआर दैट आर रिसेंटली इज बीन इन द न्यूज। तो ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी।
फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ी चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेस्ट जनरेटर की, एज अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और जो लास्ट अमेंडमेंट अभी आई है 2018 में, उन्होंने बोला है जो प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक, जो ना तो रिसाइकल किया जा सकता है जैसे अपने बात करी, ना ही उससे हम एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं और ना ही उसका कोई ऑल्टरनेट यूज है, उसे हमें क्या कर देना है, फेज आउट कर देना है। मतलब जो प्लास्टिक को ना ही हम रिसाइकल कर सकते हैं ना ही उससे एनर्जी रिकवर कर सकते हैं, तो उसका फायदा क्या है, तो उसको आने वाले टाइम में क्या करना है, हमें उसे फेज आउट करना है। तो ये हमारे क्या थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिसके अंदर थिकनेस बढ़ा दी गई है, लोकल बॉडीज को कवर कर दिया गया है क्योंकि रूरल एरियाज में भी प्लास्टिक जा चुका है, ईपीआर टारगेट्स डिफाइन कर दिए गए हैं, सभी वेस्ट जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, और मल्टी लेयर प्लास्टिक जहां जिसकी एनर्जी बन सकती है ना ही जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसे हमें क्या करना है, आने वाले टाइम में फेज आउट करना है। क्लियर है जी। मूविंग ऑन टू, एक इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया था अनप्लास्टिक कलेक्टिव, याद रखना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था अनप्लास्टिक कलेक्टिव। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, इट वॉज लॉन्च बाई यूएनईपी इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड WWF। WWF इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये बना था 1972 में, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किसका, याद रख लेना, WWF का, यूएनईपी का एंड CII का। तो इसका मेन एम क्या है कि हमें प्लास्टिक के इंपैक्ट्स को, एक्सटर्नलिटीज होती है कोई भी इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, इकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ के ऊपर कम करना है। बेसिकली क्या करना है, हमें प्लास्टिक को बेटर वे से हैंडल करना है, जो अभी हमने चार पॉइंट डिस्कस किए थे, गोल्डन रूल डिस्कस किए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, डेट वर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, एंड रिकवर, वही इसके अंदर है कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, उसके इंपैक्ट को क्या करना है, कम करना है। देख सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ द यूपीसी इनिशिएटिव, इट टारगेट्स टू कि उसके यूज को कम करा जाए, उसे रीयूज किया जाए, उससे रिप्लेस किया जाए, या उससे हम मीनिंगफुल कुछ निकाल सके। सो दिस वॉज इनिशिएटिव लॉन्च बाय CII, यूएनईपी एंड WWF इंडिया। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में थी, दैट वॉज बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, अभी समिट हुआ था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, सस्टेनेबिलिटी समिट का न्यू दिल्ली में, वहां पर इंडिया ने कमिट किया है कि इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक को इलिमिनेट कर देगा बाय व्हाट, 2022। ये बहुत बड़ी स्टेप है अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को डील करने के लिए। तो सबसे बड़ा इंडियन इनिशिएटिव लिया है क्या, कि हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करने वाले हैं, बैन करने वाले हैं, बैन भी नहीं बिल्कुल ही क्या करने वाले हैं, इलिमिनेट करने वाले हैं। अभी हमने डिस्कस किया था सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में जिसको एक बार यूज किया जा सकता है बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड। इसके अंदर प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, स्ट्रॉज आ जाते हैं, कॉफी स्टर्स आ जाती हैं, सोडा आ जाता है, वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, और मोस्ट फूड पैकेजिंग वाली चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। याद रखना कि इंडिया ने डिसीजन कहां पे लिया था, इंडिया ने डिसीजन लिया था CII समिट इन न्यू दिल्ली कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक हमें इलिमिनेट करना है। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जब 2018 में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, उस टाइम पे 2018 में वर्ल्ड लीडर्स ने बोला था कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करना है और उसके यूज को बिल्कुल ही इलिमिनेट करना है। क्लियर है इतनी बात। तो प्लास्टिक से अगर हम बात करें तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की टाइप्स क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, अनप्लास्टिक कलेक्टिव इनिशिएटिव क्या है, और सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया ने कब बैन करने की बात करी है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे जब बोला गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है, उसी के रेफरेंस ने इंडिया ने पिछले साल 2019 में बोला गया कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देना है बाय 2022, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द ई-वेस्ट। ई-वेस्ट माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, वैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वेस्ट नहीं होता जब तक उसे हम केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। जब उसे हम केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे हैं, उसे हम ओपन में डंप कर देते हैं, जब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, तब वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट जनरेटर है आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जापान, इन व्हाट, ई वेस्ट के अंदर। इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट जनरेटर है आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जापान। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आ सकता है ई-वेस्ट, मॉनिटर्स एंड लैपटॉप से, सेल फोन से, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट से, टेलीविजन से, स्कैनर से, कैमरास, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर उनको केयरफुली हैंडल नहीं किया जा रहा, वो किसमें कन्वर्ट हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर।
अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सॉलिड वेस्ट के अंदर डिस्कस किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट के अंदर डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसी तरीके से ई वेस्ट के अंदर कौन से रूल्स आते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अभी हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोड्यूसर की है, अंडर वॉट ईपीआर, कि उसके पास एक टेक्निक होनी चाहिए अंडर वॉट कलेक्ट बैक सिस्टम, कि जितना भी वो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट बैक करने की उसके पास क्या होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से वो सारे के सारे वेस्ट को क्या कर सके, कलेक्ट बैक कर सके और हो सके फिर उसको आगे क्या करे, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आगे उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डाल दी है, प्रोड्यूसर की। सपोज करो एक प्रोड्यूसर मिलकर ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपनी एक गिल्ड बना सकते हैं अंडर वॉट PRO, that is under producer responsibility organizations। याद रखना कि जिम्मेवारी EPR के अंदर है, EPR के टारगेट्स को पूरा करना है तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, गिल्ड बना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरर डीलर रिफर्बिशर एंड PRO हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एडिशनल स्टेक होल्डर्स, इनको क्या एड ऑन किया है, एज एडिशनल स्टेक होल्डर इन द रूल्स। तो जिम्मेवारी साथ में किसकी बन जाती है, PRO की भी बन जाती है और EPR की भी बन जाती है अगर एक प्रोड्यूसर से नहीं हो रहा है। इसके अंदर इन्होंने और चीज कर दी कि अब किसी ने ऐसी कोई वेस्ट फैसिलिटी का प्लांट लगाना है प्रोड्यूसर्स ने, तो उसको स्टेट वाइज ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा ऑथोराइजेशन किससे ले सकते हैं, पैन इंडिया लेवल के ऊपर। वो ऑथोराइजेशन कैसे ले सकते हैं, पैन इंडिया लेवल के ऊपर बाय CPCB। स्टेट वाइज ऑथोराइजेशन को बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक पैन इंडिया लेवल पर इनिशिएट कर दी गई है, डेट इज बाय CPCB ऑथोराइजेशन देगा और ये अपना वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगा सकते हैं। क्लियर है जी। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर याद रखना कि पैन इंडिया ऑथोराइजेशन कर दी गई है, EPR डिफाइन कर दिए गए हैं एंड PRO डिफाइन कर दिए गए हैं। और पहले तो जो रूल्स थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल थे, जो सिर्फ एक टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बट उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी तो बने हैं, उनसे भी तो वेस्ट जनरेट होता है, तो इन्होंने क्या किया, उन सारे स्पेयर पार्ट्स को ऐड कर दिया इस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, अंडर व्हाट, न्यू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उसी के साथ क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप एंड मर्करी कंटेनिंग लैंप्स को भी इनके अंदर रूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ये थी हमारी मेजर चीजें रिलेटेड टू ई वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें EPR, PRO, पैन इंडिया ऑथोराइजेशन, CFL और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, दैट वाज डिपॉजिट रिफंड स्कीम। इसको ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर क्या था, सपोज करो कोई रिटेलर है, किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, तो जब वो किसी प्रोडक्ट को बेचेगा तो जो कस्टमर से वो उस टाइम पे साथ में एक सिक्योरिटी फिल इन करवा लेगा। सपोज करो कोई लैपटॉप है 1000 रुपीज का, तो एक सिक्योरिटी रख लेगा 20 रुपीज की। सिक्योरिटी किस चीज की है कि जब उस लैपटॉप की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो कस्टमर अपना सारा लैपटॉप किसको वापस कर देगा, उस रिटेलर को। अब रिटेलर ने पहले कस्टमर ने 20 रुपीज की सिक्योरिटी दी थी, तो अगर सपोज करो 10 साल का लाइफ टाइम पीरियड है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट बनता है उसके साथ वो सिक्योरिटी रिटर्न कर दी जाएगी किसको, कस्टमर को। तो ये क्या स्कीम थी, डिपॉजिट रिफंड स्कीम। इसमें इंसेंटिव किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है कि वो अपने टाइम में क्या करेगा, जब एंड लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो ज्यादा उसको डंप नहीं करेगा, रादर किसको प्रोवाइड करेगा, रिटेलर को। रिटेलर आगे किसको फॉरवर्ड करेगा, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर उससे अपना कौन सा पूरा कर रहा है रूल्स के अंदर, कलेक्ट बैक सिस्टम, क्या पूरा कर रहा है, जो उसे कलेक्ट बैक करने की ऑथराइजेशन दी गई है रूल्स के अंदर, जो एड ऑन किया गया है उसके टारगेट्स कैसे पूरे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिपॉजिट रिफंड स्कीम। तो ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था कलेक्ट बैक करने के लिए, प्रोड्यूसर की हेल्प करने के लिए, बट ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, दैट इज डिपॉजिट रिफंड स्कीम। क्लियर है रिलेटेड टू व्हाट आर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब उसी के साथ EPR टारगेट्स दिए गए हैं कि कितने परसेंट से आपको वेस्ट को कम करना है। तो EPR प्लान के अंदर 2017 में 10%, 18 में 20, 19 में 30 एंड धीरे धीरे 2023 तक कितना परसेंट वेस्ट को कम करना है हमें, 70%। कितना कम करना है, 70%। तो अब इन्होंने रादर देन कि एक टाइम पे वेस्ट को इलिमिनेट करें, छोटे छोटे टारगेट बना दिए हैं प्रोड्यूसर्स के पास। क्लियर है जी इतनी बात। इसी के साथ इंडिया की फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इंट्रोड्यूस करी है किसने, भोपाल ने। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने CPCB के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर पहली ई क्लिनिक बनाई है। अब ई क्लिनिक का मतलब क्या है, तो जितना भी वेस्ट होगा सारा का सारा यहां पे लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहां पे
अपना जमा करवा सकते हैं। जहां पे क्या किया जाएगा, इसको सेग्रीगेट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, फाइनली क्या किया जाएगा, डिस्पोजल किया जाएगा। तो ये 3 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा डोर टू डोर, और या इनके पास आप डायरेक्टली डिपॉजिट भी करवा सकते हो। और सीपीसीबी यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट। एक चीज याद रखना, सीपीसीबी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसको पावर्स मिली थी वाटर एक्ट के अंदर, एयर एक्ट के अंदर उसकी पावर्स पे एनहांस कर दिया गया था। तो दो चीजें कर सकता है वो, ये वाटर पोल्यूशन को चेक करता है और एयर पोल्यूशन को चेक करता है। उसी के साथ ये टेक्निकल सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये याद रखना, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन के अलावा इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विस अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ठीक है, पहली ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे बनी है, भोपाल में बनी है। या तो घर टू घर डोर कलेक्शन की जाएगी, या यहां पे आप डिपॉजिट करा सकते हो। और जितना भी हैजार्डस वेस्ट होगा कहां पे सेंड कर दिया जाएगा, बेंगलुरु के अंदर। और इसको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर है जी इतना? तो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट को डील किया कि बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं, उसके अंदर हमने सॉलिड वेस्ट को रूल्स को डिस्कस किया है, फिर हमने प्लास्टिक वेस्ट को डिस्कस किया है, और एंड में हमने ई वेस्ट को डिस्कस किया है। इन सभी चीजों के अंदर कॉमन चीज क्या थी, कलेक्ट बैक सिस्टम, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है जी इतनी चीज? आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायो रेमिडिएशन यूजेस नेचुरल एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन टॉक्सिक हजार्डस वेस्ट इनटू अ सॉलिड वेस्ट बाय एरोबिक एंड एनारोबिक मींस। तो बायो रेमिडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बाय एरोबिक एंड एनारोबिक मींस। सेकेंड क्या है, बायो माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम रॉ कोर्स और माइन वेस्ट। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी वन बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। और इसका सही आंसर क्या है, सोल्यूशन सी। मतलब बायो रेमिडिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मफुल वेस्ट को इनटू लेस हार्मफुल वेस्ट। और बायो माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, वेस्ट से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जहां पे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग, तो उसके अंदर हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, बायो माइनिंग भी ऐड कर सकते हैं इन रिगार्डिंग टू व्हाट, बायो मिथेनेशन। ये जो बायो रेमिडिएशन है उसकी एक टाइप कौन सी है, कंपोस्टिंग। उसकी एक टाइप कौन सी है, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कल्चर। तो बायो रेमिडिएशन के अंदर कंपोस्टिंग एंड वर्मी कल्चर आती है, बायो माइनिंग एक बेसिकली वेरियस एक अलग इंस्ट्रूमेंट है टू हैंडल दी वेस्ट। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। पोल्यूशन में हमने दो चीजें डिस्कस करी हैं, पहली वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन एंड रिवर पोल्यूशन डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, आई होप आप इस चीजों को रिवाइज करें, और जितना भी करंट है हमने यहाँ पे इसके अंदर अकोमोडेट करने की कोशिश करी है। आप अपना तैयारी करते रहें, ठीक है, और बी सेफ, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, और अपनी तैयारी लगातार करते रहो, बिकॉज ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है, राइट टाइम है अपनी तैयारी को पूरा करने का। थैंक यू।